हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मुनीर का, तो आइए चलते हैं। तो गाइस, ये देखिए हम स्टोर पहुंच गए हैं मुनीर का के। ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट मार्केट है। यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो टोटली यहाँ पे लेने आते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे है यहाँ पे। ये जो मोटी वाली मिर्च होती है ये उसी का अचार है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसको नागा किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है और ये नागालैंड में खूब पाया जाता है। और ये है चिकन, क्या बोलते हैं इसको, चिकन का अचार है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। और ये देखिए यहाँ पे जितना भी है इस तरफ जो रखा हुआ है ये सारा इसी मिर्ची का बना हुआ है, कोई अचार है। और ये किमची बोलते हैं इसको, किमची। आपने कई सारे ब्लॉग होते हैं जिसके, जापानीज लोगों के, चाइनीज लोगों के, आपने इसमें किमची नाम ज़रूर सुना होगा, तो ये वही है। और इसके बाद ये भी एक पिकल है जो छोटे छोटे क्यूब में बने हुए हैं। और ये देखिए जितने भी सामान रखे हुए ये सारा उसी से ही बिलोंग करता है। और ये देखिए ये कुछ लेयर है, ये मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये मैंने कई सारे ब्लॉग्स में देखे हुए हैं। और ये जो सूखा हुआ साग होता है, जैसे जो हम साग लगाते हैं, ये इसी को सूखा कर बनाया गया है स्टोर के लिए, कुछ इस तरीके से ये पेपरों में इसको पैक करके रखा जाता है। ये काफ़ी सारी वैरायटी की चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये फ्लावर है गुड़हल का, तो ये गुड़हल का फूल है जिसको सुखा कर यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मिर्ची अभी दिखाई थी बड़ी वाली, ये लाल वाली मिर्ची नहीं है, दूसरी वाली बड़ी वाली मिर्ची होती है, ये बहुत ही डेंजरस होती है, तो इसको सुखा के ऐसे करके रखा हुआ है। और ये प्रॉन्स है, छोटे वाले प्रॉन्स जो होते हैं, ये वही है। और ये क्या बोलते हैं उसको, मुझे इतना नाम नहीं पता, ये इसको वो बोलते हैं। और ये एक्चुअली बरसातों में पाया जाता है, जो स्नील होता है, स्नील होता है, ये वो है जो सुखा के रखा हुआ है। और वो फ़िश है छोटी छोटी, जिसको भी सुखा के ऐसे करके स्टोर किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फ़िश बहुत पाया जाता है, तो इसीलिए उसको ऐसे करके स्टोर किया जाता है। और ये डब्बे वाला फ़िश है जो रेडी टू ईट होता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखिए ऐसी होती है जो मुझे भी इतना बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है नाम, और मैं कुछ चीज़ें भूल भी चुकी होगी। ये कॉफ़ी वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, ये इसको जर्दा बोलते हैं, और ये सत्तू टाइप का होता है चने का। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पान होता है सुपारी, ये वो काटने वाला है। और ये रौनक, और तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मटर है, सूखा हुआ मटर, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए ये चावल है जिसको फ्राई करके रखा हुआ है, ये ब्राउन राइस है, और ये इसको टीमर बोलते हैं, और पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको। और ये मशरूम है जिसको सुखा के रखा हुआ है स्टोर के लिए। ये सूखी मिर्च है, लाल मिर्च, जिसको मिक्सी में ग्राइंड करके ऑयल में इसको थोड़ा बहुत भून के फिर इसको स्टोर किया जाता है, ये घर पर भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये नूडल्स है वाई है नीचे जो रखा हुआ था। और ये देखिए ये सब्जी का स्टोर है अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे पूरा चिल्ड है। अगर हम यहाँ 10-15 मिनट रहेंगे तो हम पूरे बर्फ़ी जम जाएंगे, यहाँ पे इतना कूल स्टोर है ये। तो ये पूरा एक्चुअली में ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए है, यहाँ पर बहुत सारे सब्जियाँ रखी हुई है। तो ये देखिए ये सारे नॉर्थ ईस्ट नागालैंड के लोग ये ज़्यादा खाते हैं, तो मुझे भी इसका एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नाम तो मुझे भी नहीं पता। तो ये देख सकते हैं आप, अगर जिस किसी को भी अगर ये आपको नहीं पता है मार्केट, तो आप मुनीर का आ सकते हैं। मुनीर का आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट मार्केट आपको हर कोई बता देगा। तो ये देखिए ये इस तरीके का साग मिलता है यहाँ पर, ग्रीन वेजिस वगैरह। और ये जितने भी है देखिए, ये फ़िश है, यहाँ पे वैरायटी वैरायटी के फ़िश रखे हुए हैं जिसको सुखा कर स्टोर किया जाता है। और इसको कीमा बोलते हैं इसको, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों से मिक्स करके फिर इसको भी स्टोर किया जाता है, ये वो है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ़िश रखे हुए हैं, और कीमी वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए ये मशरूम है,
हाँ ये मुझे चाहिए था मशरूम, क्योंकि ये मशरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है खाने में और बहुत हेल्दी भी होता है। ये यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है और हर जगह पे नहीं मिलता है। ये गांव में मिलता है या तो फिर जंगलों में मिलता है या ठंडे इलाकों में मिलता है ये। तो ये तो मैं अपने घर लेके जाने वाली हूँ। और ये वही देखिए स्पाइसी वाली मिर्ची है जिसका मैंने आपको दिखाया था। रौनक यहाँ पर मस्ती कर रहा है और यहाँ पर सारा देखिए रखा हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखिए हमने सामान तो ले लिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया गेट, हमारे दिल्ली का इंडिया गेट है ये। हेलो गाइस, तो देखिए हम अपने घर आ चुके हैं। आप तो जैसा कि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये काऊ मिल्क है, ये बिल्कुल प्योर काऊ मिल्क है। तो ये मैं लाई थी, ये 120 रुपीस का है। और ये कितने लीटर का है, लीटर ये 2 लीटर का, ये 2 लीटर है। तो मैं सबसे पहले ना इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ ताकि दूध जो है खराब ना हो जाए। ओहो आई थिंक इसमें नहीं आएगा पूरा पूरा पूरा, ये इतना कम पड़ गया है, दूसरे बर्तन में मुझे डालना होगा। जो मेरा दूसरा वाला दूध का बर्तन था ये मैंने उसी में ट्रांसफर कर दिया है। तो इसको मैं फटाफट गर्म करने के लिए रख दूंगी ताकि ये खराब ना हो जाए। और देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, मैं खाने जा रही हूँ। तो मैं मशरूम लाई हूँ, ये देखिए ये मशरूम है, ये गांव में जंगलों में खूब पाया जाता है ये। तो हमारे यहाँ पे तो स्टोर में मिलता है ये, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है अभी, तो आप देख लीजिए ये स्टोर में मिलता है हमारे यहाँ पे। तो ये मैंने लिया हुआ है और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। रौनक ने अपने लिए मैंगो फ्रूटी लिया हुआ है और ये देखिए ये नूडल्स है, वाई वाई नूडल्स रेडी टू ईट। गाइस आपने इस वाली वीडियो, गाइस आपने इसको किसी ना किसी वीडियो में आपने देखा ही होगा इस वाली वीडियो को। हाँ जी, तो ये देखिए ये मैं लाई रेडी टू गेट नूडल्स, नहीं चाहिए मुझे अभी नूडल्स, पूरा पेट भर के आ गया। और ये मैंने, ये मेरा फ्राइड राइस है जो हमने, मैंने नहीं खाया था। और ये देखिए ये नींबू है, ये हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में खूब ऐसे नींबू मिलती है जो दिल्ली में देखने को कम मिलता है। तो ये नींबू मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसका जो टेस्ट होता है ये दूसरे गोल वाले नींबू से इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये मैं 2-3 लेकर आई हूँ ये। और ये बैम्बू है, आप लोगों ने देखा भी होगा बैम्बू को। तो ये देखिए ये बैम्बू है, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, जो इसका जो नरम पार्ट होता है ये वो है। तो ये देखिए ये मैं लाई हूँ, ये अप्रोक्स 1/2 kg होगा शायद। तो ये मैं लाई हूँ। और ये देखिए ये चिकन, ये मैंने वीडियो में डाल रखी हुई है, ये चिकन का अचार है ये।
चिकन पिकल है, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है तो कभी कभी ये अच्छा लगता है दाल चावल के साथ में, तो मैं ये ले आई हूँ। गाइस इसको कभी मिर्ची के साथ मत खा लेना वरना मुंह के साथ पूरा का शरीर जल जाएगा। बस मैं इतना ही लाई हूँ और जूटी नहीं और क्या लाया, बस नहीं, जूटी लाया। तो गाइस अब ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही बंद करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।